जय हिंद। आज हम लोग भारत के संविधान के आर्टिकल 23 और 24 को देखेंगे, जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, उसको किसी का भी शोषण करने का अधिकार नहीं है। देखिए, अंग्रेजी में शोषण को कहते हैं एक्सप्लाइटेशन। पॉलिटिकल साइंस में एक्सप्लाइटेशन का मतलब होता है किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवाना, यानी इच्छा नहीं है करने का, जबरदस्ती उसको आप कर रहे हैं कि करना दे करना, उसको जबरदस्ती आप मजबूर कर दिए हैं करने के लिए, तो ये सब जो है ना एक्सप्लाइटेशन है। अब एक्सप्लाइटेशन करना नहीं है भाई साहब। अंग्रेज जब था भारत में एक्सप्लाइटेशन जम के करता था, लेकिन जब से हम स्वतंत्र हो गए तब से किसी को भी किसी का भी एक्सप्लाइटेशन करने का, उसका शोषण कर देने का अधिकार नहीं है। चाहे वह शोषण किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, जबरदस्ती काम करवाने के लिए हो, उसके इच्छा के विरुद्ध हो, चाहे उसको इतना कम मजदूरी देकर के काम करवाना हो, ये सब के सब उसी में आता है, शोषण के अंदर में ही आता है। तो देखिए, इसको समझिए, भारत के संविधान में इसको रखा गया है आर्टिकल 23 और 24 में। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत है ना, देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 23 में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, मानव का दुर्व्यापार करना, यानी कि मानव को का खरीद बिक्री करना। मानव माने उसमें महिला भी आ जाएगी, पुरुष भी आ जाएंगे, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, तो इनका खरीद फरोख्त करना वस्तु के समान, यानी जैसे सामान आप खरीदते हैं किराना दुकान उकान से, वैसे खरीद बिक्री नहीं होगा। अब आपको जान के ताजी होगा कि मानव का भी खरीद बिक्री होता है। जी हाँ, होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं को भी खरीदते बेचते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान के तरफ से पकड़ाई थी, जो देह व्यापार करती थी, वेश्यावृत्ति करती थी, उनको कहीं ना कहीं से खरीद करके लाया गया था, या तो बंगाल से ले आए खरीद के, उड़ीसा से, या फिर नेपाल के तरफ से इसको लेकर के, और यहाँ पे उनसे देह व्यापार ये नहीं कर सकते हैं। मानव का खरीद बिक्री सामान की तरह नहीं कर सकता है, पुरुष तक का खरीद बिक्री होता है। इसमें देखिए, बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको भी क्या करते हैं लोग, कहीं से उठा लिए, किडनैप उटनैप कर लिए, या नहीं तो उसको जो है से कहीं ना कहीं से खरीद फरोख्त करके लेके आए, और उसको विकलांग बना देते हैं, फिर उससे भीख मंगवाते हैं रास्ते पे, चौराहे पे खड़ा करके। देखिए, भीख मांगना भाई साहब हमारे देश में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, भीख मंगवाना बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो देखते हैं पूरे दिन में अगर 500 रुपया भी अगर ले लेते हैं, तो सोचिए कि महीने में वह कितने पैसे इकट्ठा करेंगे एक एक आदमी। और वो लोग जो मालिक होते हैं, जो इन बच्चों से काम करवाते हैं, जबरदस्ती उनसे करवाते हैं, उनके इच्छा के विरुद्ध ही तो होता है। भीख मांगना कोई सहज, कोई ऐसे थोड़ी डिग्निटी के साथ भी खिलवाड़ हो गया उसका। आप जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं, डिग्निटी के साथ वो भीख मांग रहा है, क्या उसका डिग्निटी रहेगा? भारत का संविधान रोकता है ऐसे करने से, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाज नहीं आते हैं, बच्चे को विकलांग कर देते। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, साउथ के फिल्मों में हमने देखा कि किस तरह से बच्चे इकट्ठा करते थे पैसे, और उस पैसे से वो बहुत पैसा वाला हो चुका था, बहुत पावरफुल था, और बच्चे को विकलांग बना करके उससे भीख मंगवाता था। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भाई साहब ये भी आता है, जैसे हरियाणा में क्या है, हमने देखा था कि हरियाणा में स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या काफ़ी कम हो गई। अब वहाँ पे पुरुषों को शादी करने के लिए स्त्री नहीं मिल रहा है, ऐसी ना होगा। जब बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, जो एक कहावत चल रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि वो लोग तो अपने बेटियों को मारते रहे, बेटियों को जो है से उसके गर्भ में ही मार देते रहे, या गर्भ के बाहर भी अगर वो जन्म हुआ तो भी मार देते रहे हैं। मारने में तो बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है हरियाणा का, इसीलिए लिंगानुपात घट गया। अब सारे पुरुषों का शादी कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा? इसके लिए क्या करते हैं कि वो बिहार में आए, उड़ीसा में आते हैं, झारखंड में जाते हैं, और मध्य प्रदेश, और जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी बेटी से वो शादी करते हैं। मतलब एक तरह से उनको खरीद लेते हैं पैसा दे करके, और वहाँ से ले करके हरियाणा ले जाते हैं, और वहाँ से अगर एक भाई है या दो भाई या तीन भाई, तीनों भाई मिलकर शादी कर लिया उससे। अब देखिए, एक प्रकार का ये भी ट्रैफिकिंग ही है, एक प्रकार से यह बलात् उसके साथ करवाना, एक तरह से बलात्कार ही एक तरह से हो गया ना, तीन तीन लोग उससे शादी। तो इस तरह से चीजों को करना नहीं है, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसको रोका गया है, ये दंडनीय अपराध है। अगर इसमें पकड़े गए तो सीधे सीधे आपको जेल हो जाएगा, जुर्माना हो सकता है, इसमें कठोर सजा भी है। देखिए, इसमें देवदासी प्रथा भाई साहब हमारे देश में साउथ में चल रहा था, जैसे कर्नाटक उर्नाटक में मंदिर उन्दिर जो रहता था, चाहे गुप्त काल का हो, चाहे कालिदास ने भी अपने किताब में लिखा है, यहाँ तक कि आपको मुद्रा राक्षस हो, चाहे चाणक्य का लिखा हुआ जो है
जो हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, उसमें भी देवदासी प्रथा का वर्णन। देवदासी क्या होता है? देवदासी का मतलब होता है जो गार्जियन होते हैं ना, अपने बच्चे को मंदिरों को दे देते हैं दान में, उसकी शादी मंदिर से करवा देते हैं या उसकी शादी ईश्वर से करवा देते, उसका नाम है देवदास। देवदासी का मतलब होता है मतलब देवता का दासी, देवता का नौकर, सर्वेंट ऑफ गॉड। अब उसको बेच दिए, अब उसका परिवार उससे कोई नाता नहीं रखता है, अब वो धीरे धीरे वो बड़ी भी होगी ना, बड़ी होती है और वह उसको जो है वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, उसके साथ शोषण होता है, उसका बलात्कार तक कर दिया जाता है और उसको सुनने वाला कोई नहीं, उसको कोई अपराध ही नहीं मानता था। अभी भी बहुत सारे लोग अपराध नहीं मानते हैं, कर्नाटक वगैरह में आप जाइएगा वहाँ 50,000 से ज़्यादा देवदासी अभी भी अपनी ज़िंदगी एकदम बहुत ही बुरी तरह से बिताती है। कहते हैं ना कि फूलों की माला पहना के उसको कांटों के सेज पे आप सुला दिए, इसको अपराध नहीं मान, सामाजिक बुराई, सामाजिक बुराई जो है लोग मानते हैं लेकिन अपराध मानने के लिए तैयार नहीं। अरे भैया ये अपराध भी है, सामाजिक बुराई तो है ही है, इसको रोका जाना चाहिए। अभी 2019 में एक मामला आया था कि दो लोग नया नया देवदासी बना दिए, देखिए घटिया प्रवृत्ति अभी भी चल रहा है। इसको तो कब का संविधान कहा कि ये सब नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी चला रहे हैं, गजब स्थिति है। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा तो हमारे देश में नहीं है लेकिन ये अमेरिका वगैरह में था, जहाँ पे लोगों को खरीद करके उसको बेच करके उसको नौकर रख लेते थे लोग, नहीं तो खेत में काम करवाते थे, है ना। आदमी से आदमी को दास बना, आदमी को गोलाम बना लेते थे जानवरों की तरह, जैसे गाय वगैरह हम लोग बैल वगैरह जो बांध के रखते ना खूंटा में, उसी तरह से उनको उनको भी जानवर की तरह ही माना जाता था, जानवर से भी बदतर स्थिति उनकी हो जाती थी। अब उनकी गरिमा कहाँ गई, उनकी डिग्निटी कहाँ गई, ये सब नहीं करना है। भारत में तो दास प्रथा नहीं है लेकिन बाकी चीज़ तो चल ही रहा है ना, इसको तो रोकना होगा। ये संविधान में संसद को अधिकार मिला हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बना है, उसके लिए कानून भी बना है 1956 में बना, फिर 1986 में उसमें संशोधन भी हुआ है, तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। अब आगे इसमें देखिए, देखिए एक है बाउंडेड लेबर, ये क्या होता है, बेगार बंधुआ, बंधुआ मजदूरी। देखिए बाउंडेड लेबर का मतलब होता है कि वैसा कोई लेबर है, वैसा कोई आदमी है जिससे आप कम पैसा दे करके काम करवाते हैं। भैया उसको देना है 300 रुपया डेली का, आप उसको ज़बरदस्ती 100 रुपया दे देते हैं, है कहते हैं कि तुम काम करो, नहीं तो देवे नहीं करते हैं। बहुत सारे पहले तो जमींदार हुआ करते थे, जब देश गुलाम था तो चल ही रहा था कांड, देश आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे जमींदार लोग और बहुत उद्योगपति बड़े बड़े जो पावरफुल लोग होते थे वो पकड़ते थे लोगों को और उससे बेगारी करवाते थे। नहीं तो कोई किसान है जो जमींदार से कर्जा ले लिया कि भैया हम खेती उती करेंगे और फसल किसी के कारण से बर्बाद हो गया, बाढ़ उड़ तो आते ही रहता है देखते हैं बिहार उहार में, और सूखा पड़ते ही रहता है, बेचारा किसान का हालत तो इसी खराब रहता है। कहा जाता है कि मानव के इतिहास में जब से किसानों ने खेती करना शुरू किया तब से किसानों की हालत खराब है, यानी कि किसान की स्थिति कभी ठीक ही नहीं हुई भाई साहब। वो लोग जो है से घर अपने जो है से खेतों की सिंचाई करते रहे, पानी ढोते रहे, उसमें गोबर पटाते रहे, खाद देते रहे, लेकिन उनकी हालत वैसी की वैसी ही बनी रही, निर्धन के निर्धन ही बने रहे। और जो लोग खेती बाड़ी छोड़ के दूसरा काम करने लगे, जैसे नेतागिरी करने लगे, जैसे गुंडागर्दी करने लगा, जैसे दूसरा दूसरा चीज़ों में व्यापार उपार करने लगे, वो दिन दूना रात चौगुनी, कहाँ से कहाँ बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकते चले गए। किसान का हालत अभी भी देखिएगा, गाँव में जाके देखिए आपको पता लगेगा, एक तरह से बेगार करवा देते हैं, है ना। बड़े बड़े जमींदार कहते हैं लगो खेत में काम करते रहो और काम करवाते, बेगार हो गया। अब जो जिसके पास थोड़ा बहुत ज़मीन भी होता था, जो पैसा लेते थे सूद सूद से, वो बेचारे सूद दे नहीं पाते थे, मूल भी नहीं दे पाते थे, उनको जो है बंधुआ मजदूरी रह करके, उनका बाप दादा ने भी उनके यहाँ नौकर बन के काम किया, उसके बाद वो भी नौकर बन के काम करेंगे। लेकिन ये नहीं करना है, भारत के संविधान ने इसको रोक दिया है। अगर कोई बेगारी करते हुए, जबरदस्ती अगर करते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ, उनको सजा मिलेगा। बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते कि तुम्हारा बाप दादा ने ये किया तो तुम भी जो है हमारे यहाँ नौकरी रहो, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक जजमेंट आया था कोर्ट का कि कैदी लोग जो होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं जिनको कैद कर लिया जाता है, कैदी लोगों से भी अगर आप काम करवाते हैं तो बदले में उनको पैसा देना है, ये नहीं कि उनको भी फ्री में काम करा लेना है, बेगारी में काम करा लेना है, उनका भी हक है, उनका भी डिग्निटी होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि वो जेल में है तो आप जो है उसके साथ कुछ भी कर दीजिए, तो उनके लिए भी है कि नहीं, उनको भी काम करेगा तो बदले में कुछ ना कुछ पैसा उसको मिलेगा। अब देखिए फोर्स्ड लेबर क्या होता है, बलात्श्रम,
जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। अभी वही बात है, इसी का अगल का रूप है ये, जबरदस्ती काम करा लिया। फिल्म विल्म में देखते हुए जैसे KGF नाम का एक फिल्म आया, वो देखे कारखाना में कैसे कैसे पकड़ के लाता था, जबरदस्ती काम करवा रहा है, काम करवा रहा है, नहीं करने पर मारता है, पीटता है, जान से मार देता है। ये हमारे देश में खूब चल रहा था। ईंट भट्टा में बड़े बड़े लोग रहते थे, उसमें जो है जबरदस्ती काम करवाते थे ले जा करके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आता है भाई साहब, इसमें किसी का मजबूरी का फायदा अगर उठा रहे हैं, मान लेते हैं कि बेचारा का मजबूरी है काम करना है, अब उस वो काम मांग रहा है आपसे, अब 300 रुपया डेली का आप देना है, अब उसको कहिए अच्छा तुम्हारा मजबूरी है तो हम 100 ही रुपया देंगे तुमको डेली के डेली, तुम काम करो, ये भी गलत काम है, ये भी फोर्स्ड है। बेचारा का मजबूरी है, नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा, उसका परिवार भी तो होता है ना, वो भी मर जाएगा, तो उसको मजबूरी में काम करना है। लेकिन मजबूरी का फायदा उठा करके आप काम करवाते हैं तो बलात्श्रम में आएगा, फिर उसके साथ जो है वो अगर शिकायत दर्ज हुआ तो फिर दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, भारत के नागरिक है ना भाई साहब, भारत का नागरिक कुछ ना कुछ जिम्मेवारी तो बनता है ना, सब काम सरकारी थोड़ी करेगा, कुछ ना कुछ अपना भी तो जिम्मेवारी बनता है, देश कैसे बनता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है। अब देखिए इसमें हम फोर्स लेवर में एक चीज़ और है, एक कोर्ट में एक केस गया था जिसमें हजाम लोग और कुछ लोग ये धोबी लोग थे, है ना, हजाम और धोबी क्या किया कि गांव में, उसके गांव में जिसको छोटा जाति बोलता था, जैसे चमार नाम का एक जाति है, तो उसका कपड़ा धोने से इनकार कर दिया ये धोबी, उसका दाढ़ी उड़ी और बाल उल बनाने से वो हजाम मना कर दिया, कहता है हम ना बनाएंगे उसका दाढ़ी उड़ी। अब ये मामला गया कोर्ट में, कोर्ट में जाकर के वो हजाम और वो जो दोनों दोस्त था वो बोला कि देखिए इसमें आप हमसे फोर्स लेबर कैसे करवा सकते हैं, ये हमको तो अधिकार मिला हुआ है, राज्य हमसे कोई भी जबरदस्ती का काम नहीं करवा सकता है, ना कोई व्यक्ति हमसे जबरदस्ती करवा सकता है, हमारी तो स्वतंत्रता है, हम उसका कपड़ा धोए चाहे उसका दाढ़ी बनाए ना बनाए। लेकिन कोर्ट में कहा गया कि भैया ये अधिकार आपको नहीं है, अगर आप दूसरे का दाढ़ी बनाते हैं, अगर आप दूसरे का कपड़ा धोते हैं, काम तो आप वही कर रहे हैं, तो एक आदमी का करिएगा, दूसरा आदमी का क्यों नहीं करिएगा, उससे कोई जानी दुश्मनी तो नहीं है आपका, क्या हो जाएगा उसके साथ आप छुआछूत कर रहे हैं, तो छुआछूत कर रहे हैं तो ऐसे ही आप पे दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ का लाभ आप नहीं ले सकते हैं कि हम उसका बाल नहीं काटेंगे, हम उसका कपड़ा नहीं धोएंगे, तो उसको कहा गया कि आपको धोना पड़ेगा, है ना, और नहीं तो कामें छोड़ दीजिए, दूसरा काम करने लगी है। तो ये चीज़ है इसमें, अब इसको समझ गए, देखिए इसमें अपवाद भी है, इसमें आप देखिए अपवाद क्या क्या है, अगर राज्य चाहे यानी सरकार चाहे तो आपसे जबरदस्ती काम ले सकता है, लेकिन अगर उसको जबरदस्ती काम लेने की जरूरत पड़ेगी तब, अब ऐसा नहीं है कि कभी भी कर देगा, जैसे आपातकाल लागू हो गया, युद्ध हो गया, मान लेते हैं चीन के साथ युद्ध हो गया या फिर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो गया, तो वहाँ पे अगर सेना की जरूरत पड़ गई तो जबरदस्ती सैन्य सेवा के लिए आपको मजबूर कर सकती है कि चलो हम भैया सेना में तुम भर्ती हो जाओ, और सेना में भर्ती हो जाओ और अपनी सेवा दो, हो सकता है आपको कम पैसा दे, या हो सकता है कि एकदम फ्री में आपसे काम करवा ले, करवा सकता है। अभी देखते हैं कोरोना का काल जो चल रहा था, कोरोना में देख रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्या किया, लोगों का DA काट लिया, लोगों का सैलरी काट लिया, कहा कि भैया जरूरी है नहीं तो हमारा देश कैसे चलेगा फिर, तो बहुत सारे सरकारी नौकरी वाला का सैलरी काट लिया और उस पैसा से वो इस्तेमाल किया। अब वो कहता है कि भैया हमको तो अधिकार है काटने का, संसद को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है अपवाद में कि आप ये कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे किया गया, लेकिन क्या हुआ उस पैसे का, क्या किया पता नहीं। अब तो देखिए GDP कहां से कहां पहुंच गया था, माइनस में चला गया था, -23, और उसके बाद अब धीरे धीरे फिर ठीक हो रहा है, लेकिन पता नहीं अब कितना ठीक होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखिए अनिवार्य सेवा, कहने का मतलब वही है कि अगर कोई सार्वजनिक काम है, मान लेते हैं कहीं हॉस्पिटल बनाना हो, कहीं मान लेते हैं पुल टूट गया हो और पूरा आवागमन बाधित हो गया हो, तो राज्य थोड़ा सा फोर्सफुली भी कहेगा भैया ये बनाओ, इसमें थोड़ा सहयोग करो, ये काम करवा सकता है, ये राज्य का अधिकार है। तो ये तो अपवाद है और ये चीज़ जो है ये ज़रूरी है। ये आर्टिकल 23 आपका खत्म हो गया, अब आर्टिकल 24 देखिए। देखिए 24 में क्या लिखा हुआ है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो माइन हो, चाहे डेंजर का काम हो, उन पे उनको रखने पर यानी उनको नौकरी देने पर, उनसे काम करवाने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है कि 14 साल से कम एज है तो उनसे काम नहीं लेना है। यही बात आर्टिकल 24 में कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखिए बच्चे जो होते हैं वह किसी भी राष्ट्र का निधि होता है, वह सिर्फ अपने माँ बाप का ही एक परिसंपत्ति नहीं होता है, बल्कि वह समाज का भी होता है, वह देश का भी होता है, राष्ट्र का भी होता है। इसलिए राष्ट्र, देश और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वह बच्चे के सही से भौतिक विकास हो, सही से उसका नैतिक विकास हो, सही से उसका
सर्वांगीण विकास हो सके उसका ख्याल रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको एकदम छोटे अवस्था में ही काम पे न लगाया जाए। अगर उनको काम पे लगाते हैं उनका ठीक से विकास ही नहीं होगा, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे तो उतना स्किल्ड नहीं हो पाएंगे, स्किल्ड नहीं हो पाएंगे तो उनको लगातार वही काम करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गरीबी में और नरकीय ढंग से बिताना पड़ेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इन सब फैक्ट्री वगैरह माइन वगैरह डेंजर वर्क में जो लगते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ता है और उससे उनको बड़े होते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। आप देखते हैं कि वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, उनका जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो गया। साथ ही साथ अगर आप छोटे बच्चे को लगातार काम करवाते रहिए, उनको सही से सुविधा नहीं दीजिए, उनको सुख सुविधा भी तो मिलना चाहिए ना, तो वो क्या होते हैं, कुछ बच्चे तो अपराधी प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। इसको रोकने के लिए आर्टिकल 24 में ये बातें लिखी गई है कि 14 साल से कम एज है तो आप उसको किसी भी फैक्ट्री में ना लगाइए। माइन यानी कि जो अंदर से निकाला जाता है, जैसे कोयला खदान से निकाला जाता है कोयला, जैसे तांबा वगैरह ये सब जो बनाया जाता है वहाँ पे नहीं लगाना है। कोयला के अंदर में देखते हैं अंदर में मीथेन वगैरह गैस भर जाता है, वहाँ विस्फोट उस्फोट होने का खतरा है और भी धुआं वगैरह बहुत सारा होता है, तो वहाँ तो उनको स्वास्थ्य को असर पड़ेगा ना, वो तो स्वास्थ्य उनका खराब हो जाएगा। डेंजर वर्क में नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारे डेंजर वर्क होते हैं, जैसे पटाखा का फैक्ट्री है जहाँ पे दिया सलाई वगैरह बन रहा है। अब देखते हैं कि वो शिवकाशी नाम का जगह है, कहाँ पे है, शिवकाशी तमिलनाडु में, वहाँ पे पटाखा बनता है। 1,00,000 सुनते हैं कि वहाँ पे 1,00,000 छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। अपने देश में कम से कम 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनसे काम करवाया जाता है, जो 14 साल से कम एज के हैं, वो बच्चे हैं करीब करीब 4 करोड़। अब सोचिए इतना कानून बनने के बाद भी अभी भी 4 करोड़ बच्चा कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है, डेंजर वाला वर्क में कर रहा है। क्यों कर रहा है, कहा जाता है उसके पीछे गरीबी है, वो गार्जियन इतने सक्षम ही नहीं है कि बच्चों से काम न करवाए। अगर नहीं करवाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, नहीं करवाएंगे तो फिर वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मजबूरी होती है कि बच्चे से काम करवाए। अब सरकार क्या कर रहा है भाई, सरकार अगर उसके गार्जियन को या उसको गरीब के गरीब रख रहा है तब तो बाल मजदूरी रहेगा ही रहेगा। इसीलिए जो नियोजनकर्ता होते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं ना, वो पहले ही सोच लेते हैं कि इसका समाधान ही नहीं होगा। बहुत सारा कानून बन गया, क्या कारण है कि आज भी लगे हुए हैं बाल मजदूरी करते हुए लोग, आज भी आपको मिल जाएंगे, आपको ढाबे पर मिल जाएंगे कप धोते हुए, जूठे बर्तन माँजते हुए आपको मिल जाएंगे, कूड़ा चुनते हुए ये सब बीनते हुए आपको मिल जाएंगे। अब देखिए सूरत में वो हीरा का फैक्ट्री है, वहाँ पे हीरा का जो है ना तराशी किया जाता है, बहुत डेंजर होता है भाई साहब, उसमें नहीं लगाना है बच्चों को, उसका स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। कहीं तांबा का फैक्ट्री है वहाँ पे है, कहीं एल्युमिनियम का फैक्ट्री है, बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है, ये सब नहीं करना है। यहाँ तक कि आप मोची ऊँची का भी काम दे देते हैं, उसका डिग्निटी के खिलाफ ही है। ये सारा जो काम आप करवा रहे हैं ना, ये सारा का सारा गलत है, ये बाल नियोजन उनके लिए ये डेंजर है। अब देखिए समस्या का समाधान तो आपको करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को सबसे पहले गरीबी उन्मूलन का काम करना चाहिए और वो जो बच्चे हैं उनको इस फैक्ट्री से जब निकालिएगा तो निकाल के क्या करिएगा भाई, खाली आप उसको रोक दीजिएगा, ये कामें नहीं करने देंगे तब तो भूखे मर जाएगा। उसके लिए उसको आपको अच्छे ढंग से उसका पुनर्वास करना होगा, उसका रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा कि बच्चे जब काम छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ना काम करने के लिए। आप खाली पढ़ा करके भी नहीं कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उनको 4 घंटा या 5 घंटा डेली काम करने दीजिए और कम से कम 2 से 3 घंटा डेली उनका पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, और पढ़ाई भी इस तरह का हो कि उनके जीवन में काम आए। आजकल को तो स्कूल का स्थिति आप देख ही रहे कि इस तरह से स्तरहीन शिक्षा हो गया है, कोई काम का ही नहीं रहा है। और जो लोग पैसे वाले हैं वो अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ लेते हैं और वह कंपटीशन जब होता है वो आगे निकल जाते हैं, जो आगे निकल गए वो आगे के आगे, जो पीछे है वो पीछे के पीछे ही रह गया, तो जो आगे है वो तेजी से आगे बढ़ गया, वो बेचारे पीछे वाले जो है वो देख रहे हैं बस, लोग आगे भाग रहे हैं वो पीछे के पीछे ही रह गए। तो उनके लिए तो व्यवस्था कौन करेगा, तो राज्य करेगा, लेकिन नागरिक का भी जिम्मेवारी बनता है कि अगर कहीं आप देखिएगा, मान लेते हैं होटल में कहीं जाते हैं आप, छोटा बच्चा रहता है तो आप इनकार किए हैं उसके यहाँ खाना खाने से, नहीं किए हैं तो आपको बोध ही नहीं है कि हमारा छोटा बच्चा है, हमारे देश का बच्चा है, उसके वो हमारे देश के लिए परिसंपत्ति है, तो भैया उससे काम ना करवाए। कहीं किसी के घर में नौकर रखे हुए हैं, अब देखिए 2006 में वो कानून बना हुआ है हमारे देश में, इसमें लाया कि किसी भी 14 साल के बच्चे को नौकर भी नहीं रखना है, अगर उसको आप नौकर रखते हैं पकड़े गए, पुलिस में शिकायत दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हो जाएगी। यहाँ तक कि इसमें प्रावधान किया गया है जेल का भी, इसमें 2 साल तक का जेल भी हो सकता है ना, या फिर इसमें
40-50 हज़ार रुपया तक जुर्माना तक हो सकता है। इसमें यह भी बातें लिखी गई है। इसमें कहा गया कि देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जो छोटा छोटा बच्चा होता है 14 साल के से कम आयु का, उसको अपने घर में, जैसे हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, या हमारा छोटा छोटा भाई बंधु है, उससे काम करवाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह स्वेच्छा से होना चाहिए, उसकी खुशी से होना चाहिए और उसको पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलना चाहिए, तब जाकर के वो माना जाएगा कि आप उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, नहीं तो माना जाएगा कि शोषण कर रहे हैं। अब कोई परिवार में कोई बिजनेस चला रहा है ना, अब मान लेते हैं कोई बच्चा आया छुट्टी होकर के आया, उसको मन है दुकान पे एक दो घंटा बैठने का, बैठ सकता है, उस वो शोषण करना नहीं हुआ, वो तो अपना स्किल को ठीक कर रहा है, अपने बिजनेस को सीख रहा है, बाद में उसको काम आ जाएगा, तो ये काम है, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे बेगारी करवाना, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना है ना, या फिर ज़बरदस्ती नहीं भी है तो स्वेच्छा से भी उसको नहीं रखना है। इसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं, इसमें स्वेच्छा से भी नहीं रखना है। अब अधिकांश बच्चे तो स्वेच्छा से काम कर रहे होंगे, लेकिन बेचारे को सुविधा नहीं मिल रहा है। अब कालीन बनाने का काम करते हैं, आपको यहाँ पे फिरोजाबाद में कहीं पे चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, शीशा उद्योग में लगे, बहुत भयानक, बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन होता है। अब वहाँ तो इतना इतना डिग्री सेल्सियस होता है कि बच्चे जो शुरुआत में ही बेचारे का स्किन वगैरह भी जल जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास नहीं होगा। राज्य को ये कर्तव्य भी तो दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, उसको अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और उस बच्चे का भी अधिकार है, 14 साल से कम एज के बच्चे को मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में कि उसको शिक्षा देना है, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, और प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है भारत का कि वह अपने बच्चे के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करे। देखिए सब जगह है, ये राज्य का भी कर्तव्य है DPSP में, और बच्चे का खुद का अधिकार भी है, और नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चे को शिक्षा मुहैया कराए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कराए कि इनको रोज़गार भी मिले, और जो गरीबी के कारण जो ये लोग बाल मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं, उनको भी इससे संरक्षण दिया जाए और कोई ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि देश का भी प्रगति हो, देश का भी विकास हो, और इनका भी समस्या समाधान हो जाए। लेकिन अभी तक समस्या समाधान हुआ नहीं है। प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए इसके लिए। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। अब हम आपको अगले दिन अगले आर्टिकल को, धर्म की जो स्वतंत्रता मिला हुआ है किस तरह से है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप लोग थोड़ा ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। हम BPSC, UPSC और UGC नेट की तैयारी करवाते हैं, साथ ही साथ हम GS का क्लास भी करवाते हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन तो हम बाद में चलाएंगे, उसको फ्री में करेंगे, और हमारे यहाँ एकदम कम फी है। जैसे खान सर बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे कम फी है, उनसे भी कम फी है। आप हमारे यहाँ आइए और आपको स्तरीय शिक्षा मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।